शिविर और निशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। भारत सरकार के सामाजिक न्यायालय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान दिव्यांगों को 1710 उपकरण दिए गए जिनमें 100 ई ट्राई साइकिल, 533 ट्राई साइकिल, 588 वैसाखी और 133 छड़ी, 170 कृत्रिम अंग के साथ अन्य उपकरण बांटे गए। इस दौरान बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने कहा कि जिले का ये दूसरा कार्यक्रम है लेकिन हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी विकलांग इन उपकरणों के लाभ से वंचित ना हो पाए। तो किसी भी दिव्यांग को उपकरणों से वंचित ना होने की बात की गई। वहीं मनोज सिन्हा ने कहा कि एक साल बाद इस शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं तमाम प्रयासों के बावजूद भी कुछ दिव्यांग शेष रह जाते हैं लेकिन तकलीफ की बात है कि रजिस्ट्रेशन के प्रचार प्रसार में कमी के कारण इन उपकरणों से वो दिव्यांग वंचित रह जाते हैं। फिलहाल जो दिव्यांग छूट गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए ताकि इन उपकरणों से वंचित दिव्यांगों को भी इनका लाभ मिल सके। वहीं शेष 121 ई ट्राई साइकिल के लिए मंच से अधिकारियों से सुनिश्चित कराते हुए उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को बचे दिव्यांगों को ये ट्राई साइकिल दिए जाएंगे। तो गाजीपुर में दिव्यांगों को 1710 उपकरण बांटे गए। भारत सरकार की ओर से बांटे गए हैं उपकरण 100 ई ट्राई साइकिल हैं, 533 ट्राई साइकिल बांटी गई हैं, कई अन्य उपकरणों का भी वितरण किया जा रहा है।